हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज है 14th of February और अभी मैं किचन में हूँ, कुछ काम कर रही हूँ। तो आज एक्चुअली है हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी, तो मैं थोड़ा सा प्रसाद बना रही हूँ और मैंने सोचा कि क्यों ना आज व्लॉगिंग की जाए और आप लोगों को दिखाए कि हमने कैसे स्पेंड किया हमारा ये डे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये व्लॉग मैं मॉर्निंग से शुरू करती हूँ। तो फिलहाल तो मैं बना रही हूँ प्रसाद। तो हम लोगों के अगर कोई भी यू नो ऑस्पिशियस डे होता है तो हम लोग बनाते हैं पुए, तो सूजी के बनाते हैं हम लोग। कई लोगों के यहाँ पे शायद आटे के भी बनते हैं बट हम सूजी के बनाते हैं। तो मैंने सूजी को सुबह भिगा दिया था दही में और सौंफ डाली थी और थोड़ी सी चीनी, और बस अब उसके मैं पुए बना रही हूँ। और उड़द की दाल भी खाई है मैंने, माश की दाल, उसको भी मैंने पीस लिया था। और नमक हल्दी थोड़ी सी हींग और जीरा, साबुत जीरा जो होता है, तो उसके साथ मैंने मिक्स कर लिया उसे। और उसके हम बनाएंगे बड़े। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो कंपल्सरी होती हैं हमारे अगर कुछ भी ऑस्पिशियस होता है। तो चलिए फिर मैं बना लेती हूँ ये प्रसाद और आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं और आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे हमने अपना पूरा डे स्पेंड किया है। और ये है उड़द की दाल जो मैंने भिगा के रखी थी, इसको मैंने पीस लिया था दरदरा थोड़ा सा। तो आप ये व्लॉग देखते रहिएगा, इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा और प्लीज़ व्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर तो यहाँ पर रेडी हो गया है गाइस। और जो मैंने बड़े बनाए थे और साथ ही में मैंने जो गुलगुले बनाए थे यानी पुए बनाए थे, तो ये दोनों काफ़ी ऑस्पिशियस होते हैं हमारे यहाँ, तो हम लोग ज़रूर बनाते हैं हर एक जो भी आपका इम्पोर्टेंट डे होता है उस दिन। तो बस मैं प्रसाद में इसे चढ़ा दूँगी और यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है और पूजा करने के बाद हम बैठे हैं और अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा चाय पी लेते हैं और जो प्रसाद में बड़े वगैरह चढ़ाए थे वो हम खा रहे हैं। तो आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है हमने क्योंकि ये जो पुए और बड़े थे इन्हीं को हम खा के इसी से ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और थोड़ा सा टीवी देख रहे हैं और थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे कि क्या प्लान रहेगा आज का, क्योंकि कहीं बाहर तो हम नहीं जा सकते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी रात को बंद हो जाते हैं 6 बजे के बाद यहाँ पर हांगकॉन्ग में। तो इसलिए हम प्लान कर रहे थे कि क्या क्या कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी यही है और थोड़ा हम डेकोरेशन करने की सोच रहे थे घर में, तो वो करेंगे दिन के बाद अराउंड 4 के बाद करेंगे। और खाना वगैरह बनाएंगे, डिनर बनाएंगे आज थोड़ा इंडियन स्टाइल का, क्योंकि काफ़ी टाइम से इंडियन स्टाइल का नहीं खाया है हमने, तो वो बनाएंगे और फिर उसी के साथ एंजॉय करेंगे हम आज का दिन। तो बस अभी तो फ़िलहाल टीवी देख रहे हैं कुछ और थोड़ा बहुत ऐसे कुछ डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है मेरे घर से फ़ोन आया है, तो हम लोगों ने सोचा कि घर पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो विशेष के लिए फ़ोन आया था और हम बस वही अब थोड़ी सी बात कर रहे हैं घर पे। और अब आ गई हूँ मैं किचन में गाइस। तो रात को मैंने छोले भी खा के रखे थे, तो डिनर में हम लोग छोले बनाने वाले हैं। तो बस छोलों को मैं बॉयल कर रही हूँ कुछ खड़े मसाले के साथ। तो मैंने लौंग डाली है, चक्री फूल डाला है, दालचीनी डाली है, थोड़ा सा साबुत जीरा डाला है और तेज़पत्ता डाला है और इलायची डाली है। इसमें पानी ऐड करेंगे और फिर उसके बाद बंद करके इसे सीटी लगा लेंगे। थोड़ा सा मैंने सॉल्ट भी ऐड किया है। तो आज का जो हमारा मेन्यू है वो है छोले का और साथ में मैं एक पनीर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो फिलहाल अभी दिन के टाइम पर मैं थोड़ा सा छोलों को बॉयल कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा बाहर चक्कर मार के आएंगे गाइस, क्योंकि बहुत बोर हो रहे हैं घर पर बैठे बैठे भी। और 4 दिन से हमारी छुट्टी है तो हमने सोचा कि बाहर तो ज़रूर हम थोड़ा सा राउंड लगा के आएंगे। तो बस इन्हें मैं उबलने के लिए रख दूँगी और थोड़ा बहुत बर्तन वर्तन लगाने का काम कर दूँगी और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा रेडी होके जाएंगे बाहर।
ये है गाइस लोहसपा का बस स्टॉप, चूँकि फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है जैसे कि आप देख सकते हैं, और हम जा रहे हैं हमारी फेवरेट प्रोमिनाड थोड़ी देर बैठने, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और हम घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो इसलिए हम आए हैं प्रोमिनाड पे थोड़ी देर यहाँ पे बैठे हवा खाने के लिए। तो आई होप आप भी इंजॉय कर रहे होंगे व्लॉग, और आगे भी हमारे साथ बने रहिए गाइस, मज़ा आएगा। तो घूमने के बाद गाइस हम घर आ गए थे, और अभी अराउंड 4 o'clock हो रहे हैं शाम के। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं और थोड़ी सी रात की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम लोग एक्चुअली बलून्स फुला रहे थे, और वो हम फुला रहे थे अपने साइकिल के पंप से, तो जिससे हम टायर में फिल करते हैं एयर, उसी को हम यूज़ करके उसी से हम बलून जो है फिल कर रहे थे, और उससे थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेंगे। तो क्योंकि कोविड की वजह से हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, हम सबको घर पे ही रहना पड़ता है, तो ऐसे ही ना स्पेशल ओकेजन्स को सेलिब्रेट करते रहना चाहिए और कुछ ना कुछ स्पेशल करना चाहिए। तो हम लोगों ने काफ़ी टाइम से सोच रखा था कि हम बलून्स तो ज़रूर लगाएंगे, तो अब बस वही एक एक करके मैं बलून्स को फिल कर रही हूँ, और फिर हम जो है इनसे डेकोरेशन कर लेंगे थोड़े अपने घर के वॉल्स वगैरह पे, तो अच्छा सा लगेगा, थोड़ा सा यू नो एम्बियंस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और लगेगा कि कुछ इम्पोर्टेंट सा ओकेजन है आज। तो बस अभी बैठ के हम कर लेते हैं अपने काम, और आप हमारा ब्लॉग इन्जॉय करते रहिए। और यहाँ पे ना गाइस हम लोग मुंह से फुलाने की कोशिश कर रहे थे गुब्बारे, और जान निकल गई हमारी मुंह से गुब्बारे फुलाने में। तो एक तो वो गंदा सा जो टेस्ट आता है ना मुंह में, उससे भी बहुत ही बेकार लगता है, और साथ ही में इतनी ताकत लग जाती है। तो हमने सोचा कि अब नहीं फुलाएंगे वापस मुंह से, और दोबारा से हमने अपना पंप यूज़ किया
गुब्बारे वगैरह फुलाने के लिए। और बस अब यहाँ पर फुला लिए सारे गुब्बारे, तो हम थोड़ा सा डेकोरेशन कर रहे हैं। तो मैं सोफे पे खड़े होके, तो हमारी जो पीछे वाली वॉल है उस पर बस एक पहले एक स्ट्रिंग लगा रही हूँ, मतलब एक रस्सी लगा रही हूँ। तो रस्सी भी क्या, मैंने जो है धागा यूज किया था सुई धागे वाला, और उसको मैंने चिपका दिया है। और बस उसके ऊपर हम जो है अपने बलून्स को बांध लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं बस वही कर रही हूँ, सारे बलून्स मैंने थोड़ा ऊपर नीचे करके स्ट्रिंग्स पे अच्छे से बांध दिए। तो इससे क्या होगा, दीवार भी ज़्यादा गंदी नहीं होगी, ज़्यादा सेलोटेप के निशान नहीं पड़ेंगे। तो और बाकी एक एक गुब्बारा मैं ऊपर की तरफ लगा रही हूँ थोड़ा सा, तो जिससे कि काफ़ी अच्छा सा जो है लुक आएगा। तो ये देखिए गाइस, हमने ना थोड़े थोड़े गुब्बारे लगा लिए अपने घर में। तो ये फुला के हमने ये वाली वॉल पे लगा लिए सी, और ये रहा हमारा फ्लावर, सारे के सारे ब्लूम हो गए हैं। और कुछ हमने यहाँ पे लगाए हैं, तो ये वाली वॉल पे ये देखिए। तो बस ये थोड़ा सा डेकोरेशन कर लिया है, और अब बनाएंगे शाम का खाना थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं हम थोड़ी सी देर में। डेकोरेशन वगैरह करने के बाद गाइस मैं थोड़ा सा सो गए थे हम लोग, और उसके बाद मैंने ये चेंज कर लिया है। तो अभी शाम के अराउंड 5:30 हो रहे होंगे, और मैंने सोचा कि सबसे पहले सारा डिनर प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद आराम से केक कटिंग वगैरह कर लेंगे। और हमने सोचा एक बार घर पे कॉल करेंगे केक कटिंग करने से पहले, तो अगर घर पे कॉल करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है केक कटिंग करते समय। तो बस अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपना जो डिनर है उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और ये मैंने ड्रेस पहनी है, अभी तो मैंने शीन से ऑर्डर की थी, ये ना वेलवेट की फैब्रिक में है और बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर है जो मुझे बहुत पसंद है। तो बस वही मैंने पहनी, और हल्का सा मैंने मेकअप भी कर लिया है। और अभी गाइस मैं ले आई हूँ प्याज, और साथ में है जिंजर और गार्लिक है, तो मैं ये सब चीज़ ले आई हूँ कट करने के लिए। और अभी मैं फ्रिज से थोड़ा सामान निकाल रही हूँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट था, थोड़ी सी मैंने दही निकाली थी, मिर्च निकाली थी। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं आप अनियंस टोमेटोज तो मैंने ऑलरेडी चॉप करके रख दिए हैं। तो ये दोनों अनियंस और टोमेटोज जो हैं ये मैंने दोनों अपने डिशेज के लिए कट कर लिए हैं, थोड़े से छोले के लिए भी कट कर लिए हैं और पनीर के लिए भी कट कर लिए हैं। और अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए हैं थोड़ा सा मुझे हेल्प करने के लिए। तो जब तक मैं एक डिश बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं छोले बना रही थी, और जब तक मैं छोले बनाऊँगी तब तक वो दूसरी डिश पे थोड़ा सा काम कर लेंगे। तो अभी मैंने थोड़े से मसाले वगैरह ऐड कर दिए हैं, और वो आ गए हैं, वो इसे थोड़ा सा भून लेंगे। तब तक जो हमारी दूसरी रेसिपी है यानी पनीर की, मैं उसकी प्रिपरेशन कर लूँगी, क्योंकि उसके लिए मुझे ग्रेवी बनानी पड़ेगी अनियन टोमेटोज और आलमंड्स की। तो आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम था और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ कभी और शेयर करूँगी। बट मैंने बहुत सिंपल से छोले बनाए थे, नॉर्मल ही जैसे आप घर में बनाते हैं चावल के साथ खाने के लिए। पनीर ज़रूर मैंने आज पनीर बटर मसाला ट्राई किया था पहली बार, और काफ़ी टेस्टी बना था, काफ़ी टेम्पटिंग बना था। तो नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ ज़रूर जो है रेसिपी शेयर करूँगी। तो बस अभी हम लगे हैं खाना बनाने के लिए, और दो जनों के लिए हम खाना बना रहे हैं, और दोनों ही खाना बनाने में बिजी हैं। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने केक निकाल लिया है अपना, तो ये ऐसा हार्ट शेप का केक हम लेके आए हैं। ये मूस केक था एक्चुअली, काफ़ी टेस्टी हो रहा था, चीनी भी कम थी, तो स्ट्रॉबेरी मूस केक था। और मैं स्माइली वाली कैंडल्स लेके आई थी, तो मैंने वो जो स्माइली वाली कैंडल्स हैं वो लगा दिए। और अब मैं नाइफ ओपन कर रही हूँ, तो इसके साथ नाइफ भी आया था, और काफ़ी सुंदर लग रही थी ये कैंडल्स। तो और भी कैंडल्स थी बट मैंने नहीं लगाई, क्योंकि बहुत छोटू सा केक था, तो इसलिए ज़्यादा कैंडल्स हमने नहीं लगाई उस पर। और अभी यहाँ पे हम बैठ गए हैं, तो अब हम सोच रहे हैं कि कट कर लेते हैं केक। तो बस अब मैं जला रही हूँ सारी कैंडल्स, और अब हम कट करेंगे अपना एनिवर्सरी का केक।
तो केक कट करने के बाद अब मैं फटाफट नान बना रही हूँ। तो आटा मैंने पहले ही बना के रख दिया था और मैंने एक नान बेल लिया है। तो बस सिंपल सा मैंने थोड़ा सा मैदा था, थोड़ा सा नॉर्मल आटा यूज़ किया, उसमें थोड़ी सी यीस्ट और दही डाल के उसे मैंने आटे को फुला लिया अच्छे से। और अब मैं उस पर एक तरफ पानी लगा के और अपने तवे पे चिपका रही हूँ। तो अगर आपके पास लोहे का तवा हो तो बहुत अच्छी नान बनती है, क्योंकि नॉनस्टिक पे इतने अच्छे से चिपकती नहीं है। तो ये है गाइस हमारा आज का स्पेशल डिनर। तो यहाँ पे मैंने छोले बनाए, आप देख सकते हैं बहुत नॉर्मल से छोले हैं। और साथ में मैंने बनाया रायता, तो ये है खीरे का रायता। और यहाँ पर है पनीर बटर मसाला, और पनीर बटर मसाला काफ़ी टेस्टी बना था, तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। साथ में मैंने राइस बनाई है, तो ये थोड़ा सा तेज पत्ता की राइस थी। और नान बनाई है जिसे मैंने कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में, और कुछ इस तरह से मैंने करी है टेबल सेट। तो हम दोनों की मैंने प्लेट्स लगा दी हैं, और साइड में आप फ्लावर्स तो देख ही रहे हैं, और कैंडल्स वगैरह मैंने जला दिए हैं थोड़ा सा एम्बियंस को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए। तो आई होप गाइज आपको ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अब हम करते हैं अपना डिनर। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, टेक केयर एंड सी यू सून। इन्जॉय योर लाइफ, बाय बाय।